ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक बच्चू कडू को गिरगांव की अदालत ने बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2018 में राजनीतिक विरोध के दौरान बाधा डालने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वह अदालत में पेश हुए। चुनावी हलफनामे में सूचनाएं छिपाने के लिए फरवरी 2022 में एक स्थानीय अदालत ने महाराष्ट्र के तत्कालीन स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू को 2 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट के सिविल जज LC वाडेकर ने कडू को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए सजा सुनाई है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता कडू को सजा सुनाए जाने के बाद ही कोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल की सजा के अलावा कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में भाजपा नेता गोपाल तिरामरे ने कडू पर 2014 के विधानसभा चुनाव के लिए शपथ पत्र देते समय मुंबई में 43.46 लाख रुपए का फ्लैट होने की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों से इनकार करते हुए कडू ने अदालत में कहा था कि उन्होंने कर्ज नहीं चुका पाने के कारण पहले ही फ्लैट बेच दिया था। दिसंबर 2020 में केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता राव साहेब दानवे ने कहा था कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों को भड़काया जा रहा है। बच्चू कडू ने उनके बयान पर गुस्सा जाहिर किया है। कडू ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा बयान दिया था तो हमने उनके घर का घेराव किया था। अब लग रहा है कि हम उनके घर में जाकर उन्हें पीटना होगा। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।